इस पांडाल में विराजमान सभी भक्तजन, सभी माताओं बहनों के मैं इस व्यास पीठ की तरफ से बार बार प्रणाम करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है कि मेरे व्यास पीठ पे पधारने से पहले आप सभी ने पांडाल में अपना स्थान ग्रहण किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए, जहाँ पर कथा चल रही थी ध्यान देते हैं। वैसे यहाँ आकर के हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमारे आने से पहले आप सभी भक्तों का जुड़ाव हो जाता है। काफ़ी संख्या में भक्त यहाँ पर आ चुके हैं और आ भी रहे हैं, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने अपने गृह कार्य में विराम लगा करके सभी भक्त पांडाल में पधारें, क्योंकि यह किसी एक की कथा नहीं है, आप सभी की ये कथा है। आप सभी के सहयोग से ये कथा हो रही है, तो ये ना समझें कि ये किसी एक की कथा है। आप सभी की कथा है, आप सभी सहयोग करेंगे तो इस कथा का आनंद कुछ और ही होगा। तो जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, सभी से निवेदन है कि सभी भक्त तन मन और धन से सम्मिलित हों, क्योंकि भैया तन की सेवा से ना तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, और मन से अगर प्रभु का भजन करेंगे तो भी कमज़ोर नहीं हो रहे, और धन से अगर प्रभु का भजन करेंगे तो भी कमज़ोर नहीं हो रहे, क्योंकि सब दिया हुआ तो उन्हीं का है। जब आप भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो भगवान आपकी तरफ चार कदम बढ़ाएंगे, और जब आप ही भगवान की तरफ एक कदम नहीं बढ़ाएंगे तो भगवान कैसे आपके लिए सोच लेगा। एक बात बताऊं, एक छोटा सा दृष्टांत है कि धन देने से कभी धन कम नहीं होता है। एक बूढ़ी माता जी थी, बूढ़ी माता जी तो वो रोज भगवान के मंदिर में जाया करती थी, रोज जाती, लेकिन कहा जाता है कि जब भी आप प्रभु के दरबार में जाओ, मंदिर में जाओ, या अपने गुरु के पास जाओ, या किसी अपने मित्र के पास जाओ, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। तो वो माताजी रोज मंदिर जाती तो वो बाजार में जाकर के ये देखती कि कौन से ठेले पर सबसे पिलपिले केले मिलेंगे जो खराब से आते हैं, काले काले धब्बे आ जाते हैं, तो वो जो देखती कि सबसे मध्य वाले जो कम में मिल जाएं। अब जब इन्हें देखो तो वहां से पिलपिले केले लेके जाती मंदिर। अब जब भैया मंदिर में तुम जैसा चढ़ाओगे वैसा ही तो मिलेगा, अच्छा चढ़ाओगे अच्छा मिलेगा, प्रभु भी सब कुछ देखता है, ऐसा तो नहीं है। जब वो ऊपर बैठा है तो हर किसी को देख रहा है। आप गलत कार्य या पाप जमीन खोद करके उसमें नीचे बैठ करके करना, लेकिन उसकी नज़र से आप छिप नहीं सकते। तो रोज चढ़ाती रही, चढ़ाती क्यों थी, उन्हें भी एक लालच था, उनके घर में संतान नहीं थी, उनकी जो बहू थी उनके बेटा नहीं था, तो नाती के लिए वो रोज केला चढ़ाए के आए मंदिर में। अब चढ़ाए कैसे रही, जब चढ़ाए के आए तो भगवान ने सुनी तो सही, उनके घर में एक नाती पैदा हो गया। अब नाती तो पैदा हो गया, लेकिन ढीले पीले, जैसे वे केला चढ़ाती पिलपिले वैसे ही उनके नाती है गए। उन्हें जय ही पतो ना का हो रहो,
अब माता जी कहने लगी भगवान के सामने खड़े हुए के मंदिर में गई के भगवान हमने तो आपसु एक नाती मांगो लेकिन तुमने नाती तो दो पर का मतलब को है वो। तो भगवान कहने लगे के याद करो वो दिन जब तुमने केला चढ़ाई आए के जैसो भैया बीज डालोगे वैसी तो उपज होगी वैसा ही फल प्राप्त होगा। अगर तुम बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम मांगो तो कैसे मिल जाएगा है? तो भैया धन देने से कभी धन नहीं घटता है, दान करने से कभी धन कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता ही है।